शैतान कहे की, जब आती है तूफान मेल की तरह। क्यों? पापा ने लाइब्रेरी की किताबें भेजी है और कहा है थैंक यू। अच्छा भैया आपका बिल। पंडित जी ई रहा बिल। वो किताब निकलवाई लियो तो हमरे सागा छोड़ दियो। ये भी ठीक है। निशा बेटी एक काम करेगी, जब तक हम स्टोर रूम से वापस आए ये बिल का टोटल चेक कर देगी। लाइए। शाबाश। लेकिन सुन, कोई शरारत मत करना। अब चलो भैया। भैया देख रहा है भैया। Excuse me, ये रामनारायण धर्मशाला ही है ना? बाहर बोर्ड नहीं पढ़ा, गिनती भुला दी। कहाँ थी मैं? 75 and 9 84। क्या है जी, आप मुझे बता सकती हैं प्रोफेसर चौधरी किस कमरे में ठहरे हुए हैं? क्यों जी? वो कुछ काम था। समझ गई। क्या? खड़े होइए जी। खड़े होइए। देखिए आप लोग साल भर तो पढ़ाई करते हैं नहीं। जी हाँ साल भर तो पढ़ाई करते हैं नहीं, इम्तिहान के समय बगले झांकते हैं और फिर आ जाते हैं यहाँ तक अपने नंबर बढ़वाने। नंबर बढ़वाइए आप अपने चश्मे का मैडम, मैनेजर की कुर्सी पर बैठकर न जाने आप अपने आप को क्या समझ रही हैं? देखो जी निशा। अरे बाप रे। निशा मैं यहाँ हूँ। जीजी तू यहाँ बैठी है क्या? निशा वहां मम्मी कब से तेरी राह देख रही है, क्या कर रही है तू यहाँ? मैं वो जीजी, मैं वो। आइए आइए काका, आप चलिए मैं सामान रखवा देता हूँ। हाँ बेटा आइए चलिए। आप प्रोफेसर चौधरी जी के लिए पूछ रहे थे ना, ये हैं उनकी बेटियां पूजा और निशा। और पूजा बेटी ये हैं कैलाशनाथ जी, तुम्हारे पापा के दोस्त। नमस्ते। नमस्ते बेटी, ये प्रोफेसर साहब से मिलना चाह रहे हैं। आइए। अच्छा जी। ओ मैनेजर चाचा ये लीजिए, टोटल कर दिया। कर दिया टोटल, शाबाश, ले तेरा इनाम। थैंक यू। मैनेजर साहब बिल का टोटल अब एक बार फिर से चेक कर लीजिए। लोग कहते हैं खूबसूरत लड़कियां टोटल में अक्सर मार खा जाती हैं। क्या कहा? आप चॉकलेट खाती हैं निशा जी? मेरा नाम मत लो। वाह प्रोफेसर साहब वाह, क्या कचौड़ियां बनाई हैं आपने। अरे अमचूर की चटनी के साथ खाइए चौबे जी, मथुरा की कचौड़ियों को भूल जाएंगे। सिद्धार्थ बाबू। अबे कैलाशनाथ, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज, वाह वाह व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज, वाह भी वाह। सिद्धार्थ मेरा छोटा भतीजा प्रेम। अरे जीते रहो बच्चे। भाई तुम्हारे चाचा हमसे शर्त हार गए। कौन सी भाई? इन्होंने कहा था कि बाल सिर्फ हमारे जाएंगे मगर इनके भी चले गए, ये देखो। अरे भाई देखो तो कौन आया है। नमस्ते जी, पहचाना? कैसे हैं आप? अरे होंगे कैसे, आज टॉप के उद्योगपति में इनका नाम लिया जाता है। आइए बैठिए। सच कैलाशनाथ, जब अखबारों में तुम्हारा नाम पढ़ते हैं तो बहुत गर्व महसूस करते हैं भाई। अरे ठीक है ठीक है ठीक है। बेटा प्रेम तुम शायद हम तीनों की हिस्ट्री नहीं जानते होगे, हम तीनों कॉलेज में एक साथ थे और बहुत मौज मस्ती किया करते थे, नहीं कैलाशनाथ? आओ भाई आओ, यहाँ रख दो भाई, हमारी बेटियों से तो तुम मिल ही चुके हो। हाँ। और कैलाशनाथ यहाँ हर साल आते हो? इस बार एक खास मकसद से आया हूँ। अच्छा? अपने भतीजे राजेश के लिए, हमें तुम्हारी बड़ी बेटी बहुत भा गई। पूजा? हाँ अगर तुम्हें एतराज ना हो तो। एतराज?
क्या बात करते हो, तुम्हारा भतीजा है कैलाशनाथ। फिर भी राजेश हमारे साथ आया हुआ है, एक बार तुम उससे मिल लो तो। जा भैया को बुला खिला। मतलब? हाँ जाना। कैलाशनाथ शुक्रिया। प्रोफेसर शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा कहना चाहिए, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, इन बच्चों का प्यार, बड़ा कारोबार, मगर घर का आंगन सूना है। राजेश तो फिर भी अपनी माँ की गोद में खेला है, मगर प्रेम वो तो आज तक उस ममता से वंचित रहा। चलिए ना भैया। आओ बेटा राजेश, प्रोफेसर साहब और इनकी धर्मपत्नी। नमस्ते, बैठो। आओ बेटा बैठो ना। तो बेटा काम के अलावा और क्या क्या शौक रखते हो? भैया पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं, है ना भैया? अच्छा, बस यूं ही थोड़ी बहुत। भाई पेंटिंग तो हमारी बेटी पूजा भी बहुत अच्छी करती है, नहीं पूजा? गो जी पापा। बेटी वो जो तुम मंदिर की पेंटिंग बना रही हो, जरा राजेश को दिखाओ तो। आह आह भैया हम लोग पेंटिंग देखेंगे, चलो ना भैया हम लोग अभी आते हैं काका। चलो चलो भैया पेंटिंग देखेंगे, पेंटिंग। अरे आप कहाँ चली? आपसे मतलब? अरे आप उन्हें अकेले में बात करने दीजिए ना, आप हमसे बात कीजिए। आपसे क्या बात करें? क्यों आप अभी तक हमसे नाराज हैं? निशा जी मेरा नाम मत लो। मम्मी डैडी। बहुत अच्छी पेंटिंग है। थैंक यू। पेंटिंग तो आप ही करते हैं, है ना? हाँ करता तो हूँ, लेकिन इतनी खूबसूरत नहीं। या पेंटिंग पसंद आई? अबे दोपहर से देख रहा हूँ कि तू हर 15 मिनट में मुझसे यही सवाल कर रहा है, आखिर बात क्या है? बात ये भैया कि मैं आपके लिए कुल्हड़ वाली चाय लेके आता हूँ। रुक, अब बता सच बात क्या है? पहले वादा करो, डांटोगे नहीं मारोगे नहीं, वादा? हाँ भाई वादा। पेंटिंग पसंद आई? हाँ। पेंटिंग के रंग पसंद आए? पेंटिंग करने वाली पसंद आई? अरे वाह भैया, यही सुनने के लिए तुम आपके यहाँ पे लेकर आए थे, मुबारक हो भैया। काका ठहर तो जा। काका काका भैया की तो निकल पड़ी। प्रेम? प्रणाम महाराज। अरे भाभी भाभी बचाओ, भाभी बचाओ, भाभी।